हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय ईएल थ्रोनडाइक। थ्रोनडाइक साहब एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे और ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ये अमेरिका के रहने वाले थे और इन्होंने एक बहुत ही फेमस एक थ्योरी दिया था, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इसके जरिए ये बताना चाहते हैं कि ह्यूमन जो है वो सीखता है, लर्निंग ह्यूमन लर्निंग कैसे करता है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के जरिए। मतलब कि ह्यूमन बार बार गलती करता है, बहुत सारे ट्रायल करता है, बहुत एरर्स भी होते हैं और उनके बाद वो आकर के फाइनली सफल हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं। तो ये जो थ्योरी है इसको प्रूफ करने के लिए थ्रोनडाइक साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग आगे देखते हैं। इस थ्योरी को एसआर थ्योरी भी कहा जाता है क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी के बेसिस पर, कि नेचर से हमें क्या एक्शन मिलता है और हम उसके बदले क्या रिस्पॉन्स करते हैं, क्या रिएक्ट करते हैं, इसी पर ये पूरा थ्योरी बेस्ड है। तो सबसे पहले थ्रोनडाइक साहब का पूरा नाम क्या था, एडवर्ड ली थ्रोनडाइक, ठीक है। ये 1874 में जन्मे थे और इनकी मृत्यु 1949 में हो गया। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इस थ्योरी को 1898 ईस्वी में दिए थे और ये थ्योरी बाद में 1913 में पब्लिश किया गया। सीटेट में यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग किनके द्वारा दिया गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ये थ्योरी कब दिया गया, 1898। और ईएल थ्रोनडाइक साहब क्या थे, डॉक्टर थे, साइकोलॉजिस्ट थे, तो आपके पास ऑप्शन होंगे, आप उसको इलिमिनेट कर देंगे। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। आगे देखते हैं, इस थ्योरी को यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया गया कि ह्यूमन कैसे सीखता है, तो ट्रायल एंड एरर मेथड के जरिए ह्यूमन सीखता है। बात भी सही है, हम लोग कोई भी नया चीज सीखते हैं तो नया चीज को सीखने के लिए हम लोग बहुत सारा ट्रायल करते हैं, उस ट्रायल में बहुत सारा एरर भी होता है और अल्टीमेटली एक ऐसा समय आता है जब हमारा एरर्स खत्म हो जाता है और हमारा जो चांसेस होते हैं सही करने के वो एकदम क्लियर हो जाता है और सफलता हाथ में लग जाता है और हम लोग एक नया चीज सीखते हैं। इस थ्योरी को स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहा जाता है, थ्रोनडाइक बॉन्ड थ्योरी भी कहा जाता है और थ्रोनडाइक का कनेक्शनिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो वर्ड कहा गया है कनेक्शनिज्म, ये जुड़ा हुआ है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से, इसीलिए इसको कहा गया है कनेक्शनिज्म। और थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय सिलेक्शन ऑफ सक्सेसफुल वेरिएंट, कि बहुत सारे वेरिएंट्स आपके पास होंगे और उस बहुत सारे वेरिएंट में एक ऐसा समय आएगा जब आपका सिलेक्शन उस वेरिएंट के लिए सक्सेसफुल हो जाएगा। अभी हम लोग आगे देखेंगे इसको और समझेंगे, बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अगर उसे किसी नए वातावरण में रखा जाएगा तो वो बहुत सारे डिफरेंट रिस्पॉन्स देगा ना चाहते हुए भी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको एक पिंजड़ा में बंद कर दिया जाए तो आप नेचुरली रिएक्ट नहीं करेंगे, अननेचुरल रिएक्ट करेंगे। आप चिल्लाएंगे, रोएंगे, आवाज़ देंगे, कभी पिंजरा छुएंगे, कभी ताला को छुएंगे बाहर निकलने के लिए, आप छटपटाएंगे, आप अगबगाएंगे। तो क्यों, क्योंकि वो पिंजरा आपके लिए एक नया वातावरण है। और अगर आपका टारगेट यही रहेगा कि किसी तरह हम इस पिंजरे से बाहर निकल जाएं, तो आप बाहर निकलने के लिए बहुत सारी कोशिश करेंगे, बहुत सारे वेरियंट्स का आप चुनाव करेंगे कि ताला तोड़ें या पिंजरा तोड़ें या कुछ और करें, और उनमें से जो वेरिएंट आपका सिलेक्शन बाहर निकलने के लिए सक्सेस कर गया तो वही कहा जाता है लर्निंग बाय सिलेक्टिंग एंड कनेक्टिंग। लर्निंग बाय सिलेक्टिंग, है ना, कि लर्निंग बाय सिलेक्टिंग एंड कनेक्टिंग, ठीक है। तो दो ये कब होता है, द नंबर ऑफ एरर कम्स डाउन, जितने भी आप ट्रायल करेंगे, जितने भी आप कोशिश करेंगे और उनके एरर्स क्या होंगे, कम होते जाएंगे। एरर कम होते जाएंगे तो परफेक्शन बढ़ते जाएगा और फाइनली करेक्ट रिस्पॉन्स आप देंगे, ठीक है। उसके बाद कनेक्टिंग द करेक्ट रिस्पॉन्स, और जो करेक्ट जो आप होगा रिस्पॉन्स उसको स्टिमुलस के साथ कनेक्ट करेंगे। और इस प्रकार थ्रोनडाइक साहब ने प्रूफ कर दिया इस एक्सपेरिमेंट के जरिए कि इंसान सीखता है कैसे, सिलेक्टिंग एंड कनेक्टिंग के जरिए। देखिए अब ये एक्सपेरिमेंट इनका बेस्ड है बिल्ली के ऊपर, थ्रोनडाइक साहब का जो एक्सपेरिमेंट है वो कैट के ऊपर बेस्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट के लिए कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी का जो एक्सपेरिमेंट है वो किस पर बेस्ड है, तो एक हंग्री कैट, कैसी बिल्ली, एक हंग्री कैट भूखी बिल्ली पर ये बेस्ड है। इसको बहुत आसानी से हम लोग देखते हैं।
सबसे पहले समझ लीजिए वर्ड्स में, उसके बाद हम लोग आते हैं थ्योरी पे। थॉर्नडाइक साहब ने कोशिश किया है कि समझाने के लिए कि लोग सीखते हैं ट्रायल एंड एरर से। ये जो पिंजरा आप देख रहे हैं, इस पिंजरा में एक बिल्ली को रख दिया गया है, ठीक है, बंद कर दिया गया है, और ये जो पिंजरा का ये जो बॉक्स है, ये तभी खुलेगा जब अंदर में ये जो लीवर है, ये लीवर प्रेस होगा। ये बिल्ली का पैर से ही जैसे लीवर प्रेस होगा, ये जो गेट है ये खुल जाएगा, और बाहर में यहाँ पे मछली रख दिया गया है खाने का, क्या फिश, मछली। अब आपको पता है कि बिल्ली की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, तो ये पिंजरा से बाहर ये देखता है कि बाहर मछली रखी हुई है और बिल्ली भूखी है, तो बिल्ली पिंजरा से बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश करेगी, हाथ पैर सब कुछ मारेगी। अब इसे पता नहीं है कि मैं बाहर कैसे निकलूंगी, बस ये छटपटाएगी, कभी ये स्ट्रिंग को छुएगी, कभी लीवर छुएगी, कभी ये पिंजरा को छुएगी, कभी जाल को, कभी ऊपर कभी नीचे, और गलती से इसका अगर पैर इस लीवर पर आ जाएगा तो बिल्ली बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और थॉर्नडाइक साहब ने इसमें बिल्ली को वॉच किया कि ये कैसे बाहर निकलती, तो बिल्ली गलती से इसका एक बार पैर लीवर पर प्रेस हो गया, बिल्ली बाहर निकल आई। थॉर्नडाइक साहब ने इसे थोड़ा सा मछली खाने को दिया और फिर वापस अंदर भेज दिया। अब बिल्ली फिर परेशान, अब बिल्ली फिर बाहर निकलने के लिए बहुत सारी क्या कर रही है, ट्रायल्स कर रही है, बहुत सारे एरर्स भी हो रहे हैं, और फिर रैंडमली इसका पैर इस लीवर पर पड़ता है और बिल्ली फिर बाहर आ जाती है। फिर बिल्ली खाती है थोड़ा सा खाना, और फिर थॉर्नडाइक उसको अंदर भेज देते हैं, बिल्ली फिर छटपटाती है, तो बिल्ली देख रही है। तो एक समय ऐसा आता है कि बिल्ली जान जाएगी, अच्छा मेरा पैर ये लीवर पर पड़ने से हम इस गेट से बाहर आते हैं। एक समय ऐसा आएगा ये बिल्ली जान जाएगी कि मेरा पैर जब तक लीवर पर नहीं पड़ेगा तब तक हम इसके बाहर नहीं आएंगे। तो ट्रायल्स एंड एरर एंड सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स के जरिए बिल्ली जो है अब एक समय ऐसा आ जाएगा, जान जाएगी यहाँ पैर दाबेंगे बाहर आ जाएंगे। फिर उसके बाद बिल्ली को कोई भी अननेसेसरी एक्टिविटी नहीं करना पड़ेगा इस केज को खोलने के लिए, उस डोर को ओपन करने के लिए, ठीक है। आगे आते हैं, देखते हैं ये जो थ्योरी है इसके तीन कंपोनेंट हैं, गोल, ड्राइव और हंगर। देखिए किसी भी चीज को सीखने के लिए कंपोनेंट्स होते हैं, और इस थ्योरी को जानने के लिए तीन कंपोनेंट हैं, गोल, ड्राइव्स, बैरियर इन लर्निंग। यहाँ पर देखिए गोल क्या है, फिश है, ठीक है। बिल्ली के लिए लक्ष्य क्या है, मछली को खाना है, और मछली को खाने के लिए क्या चाहिए, ड्राइव्स चाहिए, मतलब हंगर। यहाँ पर ड्राइव का मतलब कोई जुनून चाहिए, तो इसका जुनून क्या है, भूख है, भूख है तभी ये मछली खाएगी। और बाधा क्या है, यहाँ पे बंद किया हुआ पिंजरा, केज क्लोज्ड, पजल बॉक्स भी इसको कहा गया है ना, पजल बॉक्स है इसका, ठीक है। तो एक इंसान को सीखने के लिए एक गोल चाहिए, लक्ष्य कि मुझे वो ऑफिसर बनना है, तो वो एक गोल, और उस गोल तक पहुंचने के लिए ड्राइव चाहिए, ड्राइव जुनून चाहिए, यहाँ पर जुनून इसका हंगर है, जुनून चाहिए। और वहां तक गोल तक पहुंचने के लिए रास्ता में बहुत सारा आपको बैरियर बाधाएं आएंगे, क्योंकि एक ऑफिसर बनना बहुत मुश्किल वाला काम होता है, तो बहुत सारे बाधाएं आएंगे, तो इसके तो इसी के बाद आप इन सब चीजों को पार करेंगे तो आप एक सक्सेसफुल ऑफिसर बनेंगे। उसी प्रकार ये जो थ्योरी है बिल्ली वाला, यहाँ पे गोल क्या है बिल्ली का, मछली खाना, और क्यों खाना है भाई, क्योंकि वो भूखी है, तो ये ड्राइव्स बन जाता है, और बैरियर क्या है, बंद पिंजरा, ठीक है। This SR theory is based on the experiment done on a hunger cat which is in a closed cage. His experiments can be discussed with the help of some point. और इसके experiment को देखते हैं, कुछ point के जरिए हम लोग discuss करते हैं। In a problem box or the puzzle box, a hungry cat is kept inside it and a piece of fish is kept outside of the box. The box is built in such a way that its door can be opened by pressing an inside lever. कह रहा है कि एक problem box और puzzle box में एक hungry cat को, भूखी बिल्ली को डाल दिया गया है अंदर से, और एक बाहर मछली का टुकड़ा को रख दिया गया है, और बॉक्स को ऐसा बनाया गया है कि बॉक्स का गेट तभी खुलेगा जब तक एक अंदर में जो लीवर है वो प्रेस नहीं होगा। अब जो हंग्री कैट है वो बिकम्स रेस्टलेस, छटपटाने लगती है, और मेक्स ऑल काइंड ऑफ अटेम्प्ट्स, बहुत सारा कोशिश करती है कि पिंजरे से कैसे बाहर निकले। इसके लिए वो क्या करती, क्लॉइंग है ना, पंजे से अपना मारती है पिंजरा पर, बाइटिंग, दांत से काटती है चारों ओर, बार्स जो है उसको हिलाती है, और जो जो पार्ट अंदर में है पिंजरा में उसको हिलाने की कोशिश करती है कि हम कैसे बाहर निकले। आफ्टर सम टाइम बाय सीयर चांस, मतलब सीयर चांस का मतलब अचानक से रैंडमली कैट किसी तरह जो है लीवर के हैंडल को खोल देती है और गेट से बाहर आती है।
और बिल्ली बाहर आती है और उसे एक लिटिल बिट छोटी सी टुकड़ा जो है मछली के खाने के लिए दिया जाता है, और अगेन फिर से बिल्ली को पिंजरे में डाल दिया जाता है दूसरे अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। और इस अटेम्प्ट में फिर से बिल्ली प्रैक्टिस करती है बहुत सारा कि वो कैसे लीवर का को प्रेस करे और बाहर आए, ठीक है। और फिर से वो बाहर आती है और खाती है, और फिर अगेन रैंडमली कैट प्रेस का लीवर बाहर आती है। इसी तरह सेम मैनर में इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया गया सेवरल अटेम्प्ट के लिए, बहुत सारे कोशिश के लिए, और अंत में क्या होता है, अंत में थ्रॉन्डाइक साहब ये नोटिस करते हैं कि जैसे जैसे ट्रायल इंक्रीज होता है अननेसेसरी और इररिलेवेंट एक्टिविटीज ऑफ एनिमल्स खत्म होते जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस, देखिए एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस, सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, सक्सेस जो है एक्सपीरियंस से मिलता है और एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। तो वही है कि जैसे जैसे ट्रायल्स इंक्रीज होता है अननेसेसरी और इरिलीवेंट एक्टिविटीज ऑफ द एनिमल्स क्या रेड्यूस्ड कम हो जाते हैं ग्रेजुअली, धीरे धीरे द एरर्स बिकम लेस, और एरर क्या हो जाते हैं बहुत कम हो जाता है जब तक आखिरी ट्रायल जाता है तब तक, और बिल्ली सीख जाती है लीवर को डायरेक्टली ऑपरेट करने के लिए, खोलने के लिए। और इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे थॉर्नडाइक साहब ने तीन बेसिक लॉ दिए, थ्री प्राइमरी लॉ दिए हैं और पांच सप्लीमेंट्री लॉ दिए हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट सीटेट में पूछता है कि कितने बेसिक्स लॉ हैं, तो थ्री प्राइमरी लॉ और बेसिक्स लॉ और फाइव सप्लीमेंट्री लॉ दिए गए हैं, और सेकेंडरी लॉ भी कहा जाता है, ठीक है, बिल्ली के बिहेवियर के हिसाब से जो पजल बॉक्स में था। तो पहला है लॉ ऑफ इफेक्ट, दूसरा लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और तीसरा लॉ ऑफ रेडीनेस, और जब सेकेंडरी लॉ की बात करेंगे तो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस, लॉ ऑफ एटीट्यूड या मेंटल हेल्थ, लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन, लॉ ऑफ एसिमिलेशन, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, ठीक है। तो देखते हैं वन बाय वन हम लोग इस लॉ को डील करते हैं। सबसे पहले है लॉ ऑफ इफेक्ट। देखिए लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब है कि लर्निंग तभी सेटिस्फैक्ट्री होगा जब लर्निंग फास्टर होगा, जब लर्निंग, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने उल्टा बोल दिया, है ना। ये रूल का मतलब ये है कि लर्निंग सेटिस्फैक्ट्री, द रूल स्टेट्स दैट इफ लर्निंग सेटिस्फैक्ट्री देन लर्निंग बिकम फास्टर। हाँ, अगर लर्निंग सेटिस्फैक्ट्री है तो लर्निंग फास्टर हुआ, अगर जो चीज हम सीख रहे हैं वो संतोषजनक है, दिल को भा रहा है, पसंद आ रहा है कि हाँ अच्छा चीज सीख रहे हैं, तो लर्निंग बड़ा आसान हो जाता है और फास्टर हो जाता है। लेकिन अगर लर्निंग अनसेटिस्फैक्ट्री है लर्निंग पॉसिबल नहीं है, और थ्रॉन्डाइक साहब ने इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दिया रिवार्ड में और पनिशमेंट में इस रूल में। अगर कोई बच्चा कोई काम करता है तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए उसे हम रिवार्ड भी दे सकते हैं ताकि बच्चा प्रोत्साहित हो और उस काम को और सीखे और करे। अगर बच्चा काम को सही से नहीं करता है तो हम उसको पनिशमेंट दे देते हैं जिससे बच्चा का जो मन है उस काम से हट जाता है, खत्म हो जाता है, अनसेटिस्फैक्ट्री हो जाता है और लर्निंग पॉसिबल नहीं होता है। तो इसमें प्रेज वगैरह भी जो टर्म है आते हैं, बच्चे को आप प्रेज कीजिए, उनको रिवॉर्ड दीजिए, है ना, उनको मोटिवेट कीजिए, सब यही आता है लॉ ऑफ इफेक्ट में। आगे आते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसका मतलब ये है कि द मोर वी प्रैक्टिस अ टास्क, जिस टास्क को हम जितना प्रैक्टिस करेंगे वह उतना बेटर हो जाता है। सही बात है, जिस चीज को बार बार प्रयास करेंगे उस चीज में हमें महारत हासिल हो जाती है। द मोर वी प्रैक्टिस अ टास्क द मोर वी लर्न एंड बेटर इट बिकम्स, और लर्निंग आसान हो जाता है किससे, प्रैक्टिस और एक्सरसाइज। तीसरा जो इसका लॉ है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस ये बताता है कि हम जितना तैयार रहेंगे किसी भी काम को करने के लिए, द मोर रेडीनेस और प्रीपेयर्डनेस, कि जितना हम प्रीपेयर्डनेस रहेंगे किसी काम को करने के लिए उतना जल्दी हम लोग इसे सीखेंगे। लर्निंग टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द लर्नर इज रेडी टू लर्न, लर्निंग तभी संभव है जब लर्नर सीखने को तैयार है। अगर लोग सीखने को तैयार ही नहीं है तो ये लॉ शो ऑफ कर जाएगा, ठीक है। इट मे बी रेफर टू फिजिकल और मेंटल रेडीनेस, इसका मतलब है कि वो फिजिकली तैयार है सीखने के लिए नहीं, मेंटली तैयार है सीखने के लिए कि नहीं, ठीक है। अब जो सेकेंडरी लॉ था, देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस में क्या है, इस रूल के अकॉर्डिंग लर्निंग किसी नई चीज को सीखना का मतलब क्या है कि बार बार रिस्पॉन्स देना, बार बार कोशिश करना और रिस्पॉन्स देना, कैसे, ट्रायल एंड एरर प्रोसेस के जरिए। और एक समय ऐसा आता है कि हम लोग सही तरीका सीख जाते हैं कि काम को कैसे करेंगे, जिस प्रकार बिल्ली बहुत कोशिश की कैसे बाहर निकले और अंत में बिल्ली सीख गई कि लीवर को प्रेस करने के बाद ही हम लोग बाहर आते हैं, हम बाहर आ सकते हैं।
और खाना खा सकते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, ओके। आगे लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन, ठीक है, मतलब इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम पूरा काम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं तो बहुत आसान हो जाता है और सीखना बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब लोग काम को डिवाइड कर दिए, कुछ काम तुम करो, कुछ हम करेंगे, कुछ मैं, कुछ वो, तो काम बट करके बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। लॉ ऑफ एसिमिलेशन, इस लॉ के जरिए हम लोग पुराने नॉलेज को नए नॉलेज के साथ मर्ज कर देते हैं ताकि ये परमानेंट और इजी बन जाए। मतलब एग्जांपल, फॉर एन एग्जांपल, एक बच्चा देखती है काली बिल्ली को, तो उसे समझ में आता है अच्छा बिल्ली काली होती है, लेकिन अगर बाद में वो देखती है अरे एक और काला कुत्ता को देख लेती है तो वो उसे बिल्ली ही समझने की कोशिश करती है, तब तक जब तक उसे ये नहीं बताया जाता है कि काली बिल्ली ही नहीं काली काला कुत्ता भी हो सकता है। तो ये क्या है, पुराने नॉलेज को नए नॉलेज के साथ मर्ज कर देना ताकि वो परमानेंट और आसानी से वो स्टोर हो सके कि बिल्ली भी काली हो सकती है और कुत्ता भी काला हो सकता है, ठीक है। इसमें दो लॉ और है, ये दो लॉ मैंने ऊपर लिखा है। ये है सबसे पहले ये है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। देखिए इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इस रूल के अनुसार जो भी एक्शन पहले किया गया उसी एक्शन को सेम वे में किसी भी परिस्थिति में करना होगा, ठीक है। तो ये रेफर करता है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। एक और लॉ इसका बच जाता है, उसी ऊपर में देखते हैं, लॉ ऑफ एटीट्यूड। इसका मतलब है कि ये लॉ हमें ये बताता है कि जितना पॉजिटिव एटीट्यूड हम रखेंगे किसी काम को करते हुए उतना हम उसे सीखेंगे। अगर हमारा एटीट्यूड घट जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो हम काम को नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कितनी आसान तरीके से थॉर्नडाइक साहब का ट्रायल एंड एरर थ्योरी को देख लिया। अब इसके क्लासरूम इम्प्लीकेशंस हैं, इस लॉ के जितने भी लॉ हैं सबके क्लासरूम इम्प्लीकेशंस हैं, यूज हैं। देखिए लॉ ऑफ इफेक्ट का क्लासरूम इम्प्लीकेशन क्या है, लर्निंग एक्सपीरियंस सेटिस्फैक्टरी और प्लीजेंट होता है। अगर इस लॉ को हम क्लासरूम में यूज करेंगे, इसका मतलब क्लासरूम एक्सपीरियंस क्या होगा, सेटिस्फैक्टरी। हम लोग इफेक्ट में क्या देखे थे, अगर लर्निंग सेटिस्फैक्टरी है तो फास्टर हो जाएगा, है ना। तो अगर जो क्लासरूम का जो एक्सपीरियंस है वो सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए और प्लीजेंट होना चाहिए, और टीचर को जो भी काम कर रहा है उसमें उसे इंजॉय लेना चाहिए, ठीक है। गाइडेंस, परेज, इंकरेजमेंट, मोटिवेशन, है ना, जो कि प्लीजेंट सेटिस्फैक्शन देता है वो उसे देना चाहिए। लॉ ऑफ रेडीनेस आते हैं, टीचर मस्ट वेट टिल लर्नर इज रेडी। टीचर को तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक उसका लर्नर रेडी है या नहीं है, ठीक है। एंड शुड गिव दोज एक्सपीरियंसेस विच हेल्प टू इनहांस रेडीनेस, और वैसे वैसे चीज़ों को बतानी चाहिए, को मतलब डील करनी चाहिए, बतानी चाहिए जो उनके रेडीनेस को इन्हांस करे, सीखने की तत्परता को बढ़ाए, उत्सुकता को बढ़ाए। एप्टीट्यूड टेस्ट लेना चाहिए बहुत सारे सब्जेक्ट में, ये डिटरमाइन करने के लिए कि वो फाइनल एग्जाम के लिए रेडी है कि नहीं है, तैयार है कि नहीं है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए बच्चों को किसी नॉलेज को रिपीट करने के लिए ताकि वो क्लास में उस चीज़ को सीख सकें। बहुत सारे ड्रिल्स, मॉक ड्रिल्स और जो ये रेपिटेशंस हैं एक्सरसाइजेज के, वो करवानी चाहिए ताकि कॉन्फिडेंस लेवल उनका बूस्ट हो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। तो इस प्रकार से हमने देखा थॉर्नडाइक साहब का ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, और ये बहुत बेहतरीन है नोट्स, बहुत सारे बुक से, साइट से असेंबल करके इसे तैयार किया गया है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखता है, नए वीडियो में हम लोग कोई नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।